एक मिशन एरिया रहेगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में स्वच्छता पखवाड़ा तथा 2 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान मनाया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में लखनऊ मंडल के विभिन्न स्टेशनों, डिपो, कार्यालयों, कॉलोनियों तथा कार्यस्थलों इत्यादि में कोविड 19 के गाइडलाइन के अनुसार सारा हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अपना कार्यकलाप सुनिश्चित करेंगे। ड्राइव के दौरान स्वच्छ जागरूकता, स्वच्छ संवाद, स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ रेल गाड़ी, स्वच्छ ट्रैक, स्वच्छ परिसर, स्वच्छ यार्ड, स्वच्छ नीर, स्वच्छ ड्रेन, स्वच्छ कॉलोनी, स्वच्छ प्रतियोगिता एवं समीक्षा तिथि अनुसार मनाए जाएंगे। उपरोक्त ड्राइव के दौरान जागरूकता हेतु फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट तथा ट्विटर पर भी समय समय पर स्वच्छता से संबंधित संदेश डाले जाएंगे तथा स्टेशन पर उपलब्ध टीवी और एलईडी स्क्रीन पर ऑडियो वीडियो स्वच्छता संदेश लाए जाएंगे। सभी फील्ड यूनिट्स में कार्यरत कर्मचारी हेतु मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि सुनिश्चित किया जाएगा। पखवाड़े का कार्यक्रम होने पर उनकी फोटोग्राफ इत्यादि को स्वच्छता पखवाड़े पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। उक्त पखवाड़े के दौरान कार्यस्थलों की सघन सफाई के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एकल उपयोगी प्लास्टिक को रोका जा सके, इसके लिए स्टेशन पर घोषणा कराकर जागरूकता कराई जाएगी। जैसा कि मंडल में आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले भी 2 बार ये ड्राइव चलाई है। अभी विगत लॉकडाउन के समय आप लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प लॉन्च किया और बहुत अच्छा प्लस स्तर पे पूरे मंडल में कार्य किया और उसकी सराहना भी हम लोगों को मिली। उसके बाद पुनः अगस्त में भी एक ड्राइव चला करके सफाई पर विशेष बल दिया गया और अब ये स्वच्छता पखवाड़ा है जिसमें हमें अपने विभिन्न कार्यस्थलों पर, कार्यक्षेत्रों में, अपने रिहायशी इलाकों में, अस्पतालों में, ट्रेनों इत्यादि पर ये सुनिश्चित करना है कि एकल उपयोगी प्लास्टिक का उपयोग ना हो। इसके साथ साथ कोविड के पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, इसके संक्रमण को हम रोक सकें और हम अपने परिसरों को सुंदर और स्वच्छ बना सके। इसमें आप लोगों का सहयोग पूर्णतया अपेक्षित है और मैं चाहूंगी कि स्टेशनों पर और जो हमारी फील्ड यूनिट्स है वहां पर भी स्टाफ को जागरूक बनाएं, उनको इस प्रकार उनको सजग करें कि वो लोग स्वच्छता को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और मुझे विश्वास है कि ऐसा करने में हम सभी सफल होंगे। धन्यवाद।